ये कहता है देखो, एक स्टेशनरी बॉम है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार नीट में आए हैं, ठीक है। स्टेशनरी बॉम है और जेई मेंस में आया है, एक्सप्लोड इनटू थ्री पीसेस, ठीक है। हर एक पीस का मास का रेशियो है, अगर एम के जी का बॉल था तो स्टेशनरी 1 kg का बॉल था और तीन पार्ट में 1:1:3 के रेशियो में ब्रेक हो गया। पार्ट हैविंग सेम मासेस परपेंडिकुलर जा रहे हैं और उनकी स्पीड दी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्ट, तो बिगर पार्ट किधर जा रहा है वो। अब आप सबको पता है कि अगर बॉम है और रेस्ट में है तो उसके कितने भी पीस क्यों ना हो जाएं, ठीक है भाई, अगर ये रेस्ट में है तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो अगर ये 20 पीस हुआ, 10 पीस हुआ, 1000 पीस हुआ, इस तरह से मूव करेंगे कि मोमेंटम जीरो होगा। अगर ये 2 पीस में हुआ तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तभी तो मोमेंटम जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एम के जी का है तो ये भी एम के जी का है, ठीक है, एम के जी का मान लेते हैं, और इनका इसकी स्पीड 30 है तो इसकी भी स्पीड 30 है, तो इधर मोमेंटम बना 30m और इधर मोमेंटम बना, इधर भी मोमेंटम बना 30m। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट मोमेंटम इन दोनों का कितना जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा, जो कि 30m√2 होगा। अब तीसरा वाला जो है वो रेशियो 1:1:3 है, तो तीसरा वाला जो है वो इधर की जिसका मास 3m होगा तभी तो 1:1 होगा और उसकी स्पीड भी होगी, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 3m भी हो जाएगा मास, ठीक है। अब ये वाली जो मोमेंटम है मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड दिस मोमेंटम, तभी तो मोमेंटम जीरो होगा भाई, ठीक है। तो मोमेंटम जीरो करने के लिए इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू, तो 3m भी मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 30m√2। तो m ने m को और 3 ने 3 को, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी तीसरे वाले की और उसकी डायरेक्शन होगी हॉरिजेंटल से 45 डिग्री पे, इधर की डायरेक्शन में हॉरिजेंटल से 45 डिग्री या यूं कह लो वर्टिकल से 45 डिग्री इधर की डायरेक्शन में, और ये किधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, इनका नेट मोमेंटम इधर जाएगा। अगर ये 2 पीस में होता तो एक इधर जाता, एक इधर जाता,